तो हम लोगों ने देखा कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। जब फैक्टोरियल का कोई सीरीज दिया हुआ हो और आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग वही देखते हैं, करते जाते हैं जहां पर रिमाइंडर क्या वाला जीरो दे दे तो उसके बाद वाला टर्म जितना भी होगा सबको जीरो कर देते हैं और फिर जो बचा होगा उसको जोड़कर देख लेते हैं कि रिमाइंडर वो जो है ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आया तो नीचे वाले से घटा देते हैं, जो भी आया वो उसका आंसर हो जाता है। और अगर पॉजिटिव आया बड़ा आया तो हम लोग देख लेते हैं कि बड़ा आया तो दोबारा फिर से हम डिवाइड कर देते हैं उसी नंबर से जिससे हमको बोला गया है डिवाइड करने के लिए। अब एक नया चीज सीखते हैं, मान लो 36/14, अब हम इसको दो केस में बांटते हैं, ठीक है। पहला लेते हैं इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं और निगेटिव भी निकालते हैं, ठीक है। 14 × 28 उसके बाद बचा 2 × 30 = 36 + 8, 36 से बड़ा 40 42, 36 में से 42 को घटा देंगे कितना बचेगा -6, ठीक है। दोनों के जोड़ो 2, ठीक है, ये 2 इसका रिमाइंडर है। अब इसमें करते हैं, अब इसमें क्या किए, हमसे कोई लड़का आके बोला कि सर ठीक है 14 वाला पहला हमको याद नहीं रहता, हम कैसे जानेंगे कि 14 × 2 कितना होता है, 14 × 3 कितना होता है, हमको पहला याद नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो नंबर है उनका याद रहता है, 2 का 3 का 4 का 5 का, हम चाहते हैं उसी में से डील करें। तो हम बोले ठीक है करो, जब उसने कहा कि इसी में से डील करें तो हमने कहा करो, तो उसने क्या स्मार्टनेस दिखाया, उसने कहा कि हम क्यों ना इसको सिंपलीफाई कर दें, बोला कर दो, इसने क्या किया 2 से इसको भाग दिया तो हो गया 36, इसको किया तो 17, ठीक है। इसने कितने से डिवाइड किया 2 से, 2 को उसने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया कि बोला कि अब तो इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकता क्योंकि 18 से कट सिंपलीफाई हो नहीं सकता, इसने क्या किया कि अब जो है हम इसको 18/7 को इस तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहां पर किया, 14 का पहला हमको याद नहीं था इसलिए हमने इसको छोटा किया और जैसे पहले करते थे ऐसे अब करेंगे, बोला ठीक है करो। तो इसने क्या किया कि हमने देखा कि 14 को 18 से 18 को 14 7 से भाग दे रहे तो 7 × 14 = 15 × 16 = 17 = 18, आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आया है वो 4 = 21, 7 × 21 यानी कि रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर जो आएगा वो जाएगा -3। अब इसको क्या किया जोड़ दिया +4 − 3 कितना आया 1, बोले ये क्या हो गया सर, यहां पर तो रिमाइंडर आया 2 और यहां पर आ गया 1, जबकि रिमाइंडर तो दोनों का सेम आना चाहिए, नंबर तो दोनों सेम था, यहां भी 36/14 यहां 36/14, जब रिमाइंडर जब नंबर सेम तो फिर रिमाइंडर चेंज क्यों हो गया। तो उस होशियार लड़के को बता दो कि आपने जो 2 से भाग दिया था ऊपर में जिसको आपने इसको सर्किल भी बना दिया, आपने उस 2 के साथ क्या किया, बोला सर उसको छोड़ दिए, बोला कैसे छोड़ सकते हो, आपको वो जिस नंबर से आपने भाग दिया था उसको फाइनल आंसर में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बोला ठीक है सर करके देखते हैं, जब उसने करके देखा तो बोला कि ठीक है बिल्कुल ये तो रिमाइंडर सेम हो गया, ये भी सेम, इसका क्या मतलब है, क्या ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, क्या हर जगह ऐसा ही होता है, हम लोग दूसरी जगह चेक करके देखते हैं। मान ले एक हमने एग्जांपल लिया 42/8, ठीक है। अब 42/8 जब हमने एग्जांपल लिया तो इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह केस बनाकर, केस 1 केस 2 42/8 8 × 5 = 40 यानी कि ये आपको पॉजिटिव रिमाइंडर देगा 2, ठीक है। 8 × 6 = 48 ये रिमाइंडर देगा -6, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर हुआ कभी एक ले लो तो यहां पर 2 रिमाइंडर आ गया। अब आप एक दूसरे लड़के ने क्या किया कि इसको भाग देते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई किया ये हो गया 4, ये हो गया 21, ठीक है। भाग किससे दिया 2 से।
अब इसको सोल्व करके देखते हैं, 21 बाय 4, 4 पंचे 20 रिमाइंडर प्लस 1, 4 छे 24 रिमाइंडर माइनस 3, कोई भी एक रिमाइंडर को ले लो, अगर इसको लेंगे तो इससे घटाना पड़ेगा, इसको लेंगे तो यही रहेगा, तो रिमाइंडर आया 1, ये आया 1। फिर यहां पर देखते हैं, यहां तो 2 था, यहां पर आ गया 1, तो कैसे कर दिया, फिर हमने कहा कि आपने भाग किससे दिया था, बोला 2 से, 2 से सिंपलीफाई किए थे, फिर बोले कि उसको कैसे छोड़ सकते हो जब उसको भी साथ में लेकर आए हो, एक रास्ते में उसको कैसे भगा सकते हो, इसीलिए जिसको आपने उसको छोड़ा वापस लाना पड़ेगा, जब हमने जिससे सिंपलीफाई किया था उससे उसके साथ गुणा किया तो फाइनल हमको मिला 2, जो 2 और ये 2 दोनों बराबर था। तो अब क्या हुआ, हमने यही देखा कि अगर आपको कोई बड़ा नंबर मिल जाए और आप उसको सिंपलीफाई कर रहे हो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस नंबर से आपने उसको सिंपलीफाई किया वापस रिजल्ट में उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पर 1 की जगह -1 आता, फाइनल यहां पर जो ये रिजल्ट आया R1 मान लो -1 आता, तो ये नहीं कि इसी में आपको गुणा करना था, ऐसा नहीं कर सकते, पहले इसको पॉजिटिव बनाना होगा, फाइनल आंसर लाना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आया 3, अब इस 3 को इसके साथ गुणा करेंगे, मान लो अगर ये नंबर इससे ज्यादा आता तो इसके साथ इसको डिवाइड करते, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता उस रिमाइंडर को इस फाइनल में से गुणा करते, तब जाकर वो फाइनल, तब जाकर वो फाइनल होता। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऐसे, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 35/15, ठीक है। अब हम लोग फिर से चेक करते हैं कि क्या मतलब जिससे सिंपलीफाई कर रहे हैं उससे वो गुणा करना जरूरी है, कंपलसरी है, हम लोग चेक करते हैं, चेक किया, केस 1 लिया, केस 2 लिया, केस 1 में क्या किया 35/15, हमने देखा 15 × 30 रिमाइंडर 5, ठीक है, इधर देखें 45 रिमाइंडर -10, तो हमने क्या किया रिमाइंडर मिल गया हमको 5। केस 2 में क्या किया कि सर हमको 15 का पहाड़ा याद नहीं है, तो क्या करें इसको सिंपलीफाई कर दीजिए सर, हमने सिंपलीफाई किया, किससे किया 5 किया, 15 5 × 35, ये कितना हुआ 7/3, किए थे किससे 5 से, 5 को इसको सर्किल कर लिए, ठीक है, रास्ते में साथ में आ रहा था, बीच में इसकी तबीयत खराब हो गई तो बेचारा रुक गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर रुक गया, अब इसको इसके साथ ये किया 3 के साथ, 3 × 6 +1 रिमाइंडर, इधर 9 -2 रिमाइंडर ले लो +1, ठीक है, रिमाइंडर आया +1। फिर हमने कहा कि ठीक है पहले इसके साथ देखते हैं केस 1 के साथ, केस 1 रिमाइंडर क्या दिया 5, केस 2 रिमाइंडर इन्हें सिंपलीफाई करने के बाद रिमाइंडर क्या दिया 1, क्यों दिया क्योंकि आपने जिसके साथ सिंपलीफाई किया था उसको छोड़े हुए रास्ते में, जबकि टीम का काम है साथ में आना, इसने क्या किया, इसने क्या किया कि सर हम आपको फाइनल रिजल्ट तभी देंगे जब आपने जिस नंबर को पीछे छोड़ा हुआ है उसको वापस लेकर आओ, इसने कहा ठीक है भाई आ जाओ, इसने आकर फिर से गुणा कर दिया 5 1 के साथ, तो ये फाइनल आंसर दिया 5, तो ये इसका अब जाकर रिमाइंडर ये सेम हुआ। तो कुल मिलाकर कि आपको अगर बड़ा नंबर दे और रिमाइंडर निकालने के लिए कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि हमको नीचे का पहाड़ा याद नहीं है या फिर ये थोड़ा सा टफ कैलकुलेट होने वाला है तो आपने क्या किया उसको सिंपलीफाई कर दिया, कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस नंबर के साथ आप सिंपलीफाई करोगे उस नंबर को छोड़ना नहीं है, उसको कैरी करते हुए आना है और जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर आएगा उसके साथ उसको गुणा कर देना है, वो उसका रिजल्ट बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, अब आप बोल रहे हो सर क्या छोटे छोटे बता रहे थे, 13/14, 13/9, 14/3, ये सब इससे मतलब फायदा क्या है, क्यों हम लोग उसको सोल्व कर रहे हैं। देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया और आपको बोला गया लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आया वो उसका आंसर होगा। लास्ट 2 डिजिट जब भी आ जाए लास्ट 2 डिजिट 100 से डिवाइड करना है और जो उसका रिमाइंडर आएगा वो उसका रिजल्ट।
रिजल्ट होगा। लास्ट टू डे ये भी क्वेश्चन है, क्या करना है, इसमें भी 100 से डिवाइड करना है और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो जो भी उसका रिमाइंडर आएगा उसका रिजल्ट होगा। अगर लास्ट वन डिजिट की बात कर रहा है तो यूनिट डिजिट अलग है, कंफ्यूज मत होना। वन डिजिट अगर इस तरह के क्वेश्चन में वन डिजिट की बात करेगा तो 10 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोग देखेंगे। अब देखो 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कैसे क्या करते हैं, लास्ट पर टू डिजिट चेक करते हैं। हम यहां पर गए 300 से भाग, 300 से है 03, 100 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं, कर किए इसका क्या आया रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर +3 रहेगा, नेगेटिव -97 रहेगा, लेकिन -97 बड़ा है तो हमको उसको निगलेक्ट करना है। यहां पर 58 से कम 0 डिवाइड है 100 से और 58 से ज्यादा 100 डिवाइड हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा -2 रिमाइंडर हो जाएगा, यहां पर +2 रिमाइंडर हो जाएगा। कैसे हम लोग सब जान रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं, इस डिजिट में 100 से +3 हो जाएगा। क्या करना है, बीच में साइन गुना का 3 गुना -2 गुना 2 गुना 3, क्या करना है -6 गुना 6 कितना हुआ -36, ठीक है इतना भी आया। अगर नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, जो भी आएगा इसका आंसर आएगा। इसमें भी क्या करना है, लास्ट टू डिजिट की बात कर रहे हैं, 100 से भाग दे दो, भाग दे दिया 78। अब देखो हम लोगों ने वहां पर सिंपलीफाई क्यों किए थे, 78 का देखो क्या, 78 को 100 से भाग दोगे तो इसका दो रिमाइंडर रहेगा, एक तो रिमाइंडर आएगा कितना -22 और एक रिमाइंडर आएगा कितना 78। अब इसको देखते हैं 98 को, 98 का 100 से भाग दो, एक रिमाइंडर आएगा +2, एक रिमाइंडर आएगा 98 और एक रिमाइंडर आएगा -2, ठीक है। इसी तरह 53 को देखो, 100 से भाग दिए, एक रिमाइंडर आया कितना 53 और एक रिमाइंडर आया कितना -47। अब बीच में गुना का साइन है, क्या आप गुना करना चाहोगे, क्या आप चाहोगे कि 53 गुना 78 गुना 98 इस तरह करना चाहोगे, कभी नहीं। हम तो चाहते हैं एग्जाम में जितना भी कैलकुलेशन हो कम से कम हो, उतना ही फायदा है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो सिंपलीफाई क्या हो सकता है, इसको करते हैं 2 से, तो ये कितना गया 3 8, ठीक है 2 से अच्छे ये हो जाएगा 50। और हो रहा है क्या, चेक करते हैं यहां पर हो रहा है, इसको हो जाएगा कितना 25 और ये हो जाएगा 1, 18 हो जाएगा कितना 9 और फिर 9, ठीक है इतना हो गया। अब ये 25 किसी के साथ सिंपलीफाई हो रहा है क्या, किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग फ्रेश लिखते हैं, फ्रेश क्या लिखे, ये अब आपका क्वेश्चन हो गया, ये 13 78 191 गुना 53 गुना 38 गुना 27 डिवाइड बाय 25। अब हमको रिमाइंडर निकालना है, लास्ट में दो डिजिट देखो क्या 25 से 25 किया 75, ठीक है 76 77 78 +3, इसमें से देखो डिनोमिनेटर -1, ठीक है इसमें देखो +3, इसमें से देखो 25 दुनी 50 यानी कि ये 25 cos 30 8 38 और ये हो जाएगा आपका +2। अब इसको गुना कर दो बाकी को, 3 गुना -1 गुना 3 गुना 13 गुना 2 देख लो -3 यानी के
माइनस नाइन गुना 26, जो भी होगा। अगर ये 25 से ज्यादा आया तो एक बार फिर से डिवाइड कर दो, फिर जो आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है। अगर सिंपलीफिकेशन का वहां पर इसका एक वो था, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, 37 गुना 13 गुना 93 गुना 65 गुना 36 गुना 49 आपको 100 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा आपको बताना है कि वो रिमाइंडर क्या है। देख रहे हैं 100 से डिवाइड, हमको लग रहा है देखते पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, कौन सा कोई जा रहा है क्या देख लेते हैं। यहां से गया 1 और 3 15, 5 से गया यहां पर 2 20, कितना गया 5, इसको सर्किल कर लिए। और कोई जा रहा है क्या 20, हां यहां से गया 36 से, ये 18 और ये 10, कितना से गया 2 से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। और कोई जा सकता है क्या, और कोई देखते हैं, और कोई नहीं जा रहा, ये 18 है, ये 9, ये 5, कितने से गया 2 से, फिर से 2 से गुना कर देते हैं, कुल मिलाकर 4 पांचों के 20, ये 20 है मेरे हाथ में जिससे हमने इसके साथ छेड़खानी किया। अब क्या बचा, अब मेरे पास ये नंबर बचा आपको 37 गुना 13 गुना 93 गुने में 13, उसके बाद 9 और गुना 49, और इसको किससे भाग देना है 5 से, उसके बाद से रिमाइंडर क्या आता है वो बताना है। देखते हैं 5 7 35 36 37 2 5 2 10 प्लस 3 और ये पूरा पूरी कट जाएगा 90 तक तो पूरा है 3 प्लस 3 ठीक है, इसके पास प्लस 3, इसके पास प्लस 4 लेकिन माइनस 1 लेंगे क्योंकि रिजोल्यूशन आसान होगा, इसके पास माइनस 1 लेंगे, सबको गुना कर देते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना होगा 2 3 9 27, ये कितना फाइनल हुआ 4 54, 54 क्या है 5 से बड़ा है, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो डिवीजन से छोटा होना चाहिए, तो हमने फिर से 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया तो कितना बचा 4, 4 हो गया रिमाइंडर। 4 रिमाइंडर मेरा कब आया, जब हमने सिंपलीफाई करके 5 लाया, 100 से हमने जब 5 लाया सिंपलीफाई करके, लेकिन हमने किस किस नंबर के साथ छेड़खानी किया था, वो नंबर कितने हैं, हमने 5 के साथ किया था, 2 के साथ किया था, फिर 2 के साथ किया था, सबको गुना किया वो नंबर हो गया 20, तो उस नंबर को जो रिजल्ट आएगा उसके साथ गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना 4 2 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आया 80 आया। अब ये मत समझ लेना सर जो ये 80 आया वो तो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा तो है लेकिन इसको तो देखो यार इससे तो कम है ना, ये वाला जो आया था क्या था, ये वाला हम इसके साथ खेल कर रहे थे, जब इसके साथ कर रहे थे तो ये बोला कि यार ये जो है ना इससे ज्यादा है, तो हमने इसको फिर से डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करके आया कितना 4, 4 के साथ हमने गुणा किया किसको, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया था, पीछे किसको छोड़ा था वो था नंबर 20, जब हमने इसको 20 के साथ गुणा किया तो हुआ 80, जब फाइनल रिजल्ट क्या हुआ 80। अब कोई ये सोचे कि यार 80 तो इससे बड़ा है, और इससे बड़ा तो आपने बोला था कि इससे बड़ा और नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो फिर कैसे हो गया, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब फाइनल के साथ मल्टीप्लाई किए तो फिर हम फाइनल वाले को देखेंगे इसको 100 को, और ये तो इससे कम है 80, तो ये इसका आंसर हुआ। इसी तरह रहेगा जहां पर अगर लगे कि डिविजर मतलब डिवाइजर जो है वो थोड़ा सा बड़ा और लेंथी हो रहा है और ऊपर कोई सिंपलीफाई करने के लिए दिख रहा है, तो आप बिना झिझक सिंपलीफाई कर दो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा, और फिर उसके बाद जिस नंबर के साथ आपने छेड़खानी किया है, जिस नंबर के साथ आपने सिंपलीफाई किया है उस नंबर को लेना है, और बाद में जो रिजल्ट आएगा जो भी आए रिमाइंडर उसके साथ उसको गुणा कर देना है, और याद रखना कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होगा,
पहला और दूसरा रिमाइंडर कभी डिविजन से बड़ा भी नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। इन केस अगर आ जाए तो क्या करना है, अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है, जिससे भाग देने के लिए कहा जाए उससे घटा देना है, और अगर बड़ा आ जाए तो क्या करना है, दोबारा फिर से भाग देना है। अब वो एक चीज देखते हैं, ये है सेटिस्फाई 9, इसको हम लोग डिवाइड कर इसका रिमाइंडर निकालते हैं, 9 × 36 प्लस 1 रिमाइंडर आया प्लस 1। अब इसको क्या करो, इसका पावर है मान लो 20 डिवाइडेड बाय 9। अब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग दो, रिमाइंडर आया प्लस 1, प्लस 1 पर पावर 20 कितना आएगा 1। एक और दूसरा देखते हैं, मान लो आ गया आपका 35, इसको भाग दो आपको 9, कितना रिमाइंडर है 9 × 36, 36 से कम है, 36 बड़ा है 35 से, तो क्या करेंगे 1 आएगा, 1 क्या होगा वो निगेटिव होगा माइनस 1, तो इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया माइनस 1। ठीक है, इसका रिमाइंडर पॉजिटिव भी आएगा, 27 अगर 9 किया 27, 27 × 30 यानी कि 8, ये जो होगा वो पॉजिटिव में भी होगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि हमेशा जो है वो नेगेटिव, देखो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर बीच में अगर शुरुआती में इधर उधर की अगर हम बात करें तो हमेशा छोटे वाले रिमाइंडर को पिक करो और उसको यूटिलाइज करो अपने क्वेश्चन में, आपके कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी। यहां पर आया 1, अगला फिर से देखते हैं इसी को, 35 पर पावर 21 कर देते हैं डिवाइड बाय 9, कितना आया रिमाइंडर माइनस 1, माइनस 1 पर पावर 21, तो ये क्या देगा माइनस का। ये क्यों कर रहे हैं, क्या सर घुमा फिरा के छोटे छोटे अंक पे लेके आ रहे हो, डिवाइड 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 डिवाइड, वही डिविजन वही रिमाइंडर प्लस 1 माइनस 1 क्यों कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है इसको डिवाइड करना है 9 के साथ और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखते होंगे आप लोग, इसमें दो तीन केस बनता है और एक दो थ्योरम है, बस उन सारी चीजों को देखेंगे और फिर ये रिमाइंडर थ्योरम खत्म करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, 2 पर पावर 63 डिवाइडेड 9 और हमको रिमाइंडर पता करना है, अब कैसे करेंगे। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ठीक है, तो हमारे ध्यान में दो तीन चीजें चलनी चाहिए। पहला ये कि इस बेस को हम जैसे तैसे करके इससे या तो एक ऊपर इससे या तो एक नीचे बना दें, क्योंकि हमें पता है कि अगर 8/9 आपको बोलेगा रिमाइंडर क्या है तो या तो ये होगा प्लस 1 या फिर होगा सॉरी या तो होगा प्लस 8 या होगा माइनस 1 ठीक है, और हम जानते हैं कि माइनस 1 पर पावर जितना भी दे दो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको क्योंकि देखो 9 से 8 जस्ट एक छोटा है तो हमें उसका रिमाइंडर आसानी से पता चल जाता है, अगर 9 से 8 जस्ट बड़ा होता मान लो यहां पर अगर 10 होता तो भी हमें रिमाइंडर पता चल जाता। तो हमें क्या करना है, इस बेस को ऐसे यूज करना है इस पावर का कि हमें 9 के या तो जस्ट एक बड़ा मिल जाए या फिर जस्ट एक छोटा मिल जाए। क्यों, क्योंकि हमें पावर हमें रिमाइंडर या तो 1 लाना है या माइनस 1 लाना है। क्यों माइनस 1 और 1 क्यों ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि हमें पता है कि माइनस 1 पर पावर कितना आ जा रहा है, आपको वही देगा घुमा फिरा के, या तो अगर इवन होगा तो पॉजिटिव में देगा, अगर ऑड होगा तो निगेटिव में देगा। तो हमें ये पावर कैसे, ये जो बेस है ये कैसे बनेगा, एक कम या एक ज्यादा कैसे बनेगा, तो हम इसके स्क्वायर करके देखते हैं। दो को करते हैं, 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2 4 2 पर पावर 3 कितना हो गया 8 2 पर पावर 4 कितना हो गया 16 2 पर पावर 5 कितना हो गया 32। देखो
कुछ नजर आया? बोला बिल्कुल, अगर 2 पर पावर 3 किसी तरह बन जाए, 2 पर पावर 63 है ना, अगर 2 पर पावर किसी तरह 63 हम इसको बना लें तो हमको ये 8 मिल जाएगा, और जब ये 8 एक बार मिल गया तो फिर हमको रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो हम 2 पर पावर 63 कैसे, 2 पर पावर 63 को 8 कैसे बनाएंगे? हम देखो कैसे बनाते हैं। हमको पता है 2 पर पावर 3 को अंदर ले आओ, अंदर 3 लाया तो क्या करोगे, 3 से भाग भी दोगे, किसको, इस पावर को 3 से अगर भाग दोगे 3 से तो कितना हो गया, 2 और 1 ये हो जाएगा आपका गुने में 21 डिवाइड किससे हो रहा है 9 से। क्या कर दिया देखो, a पर पावर n इनटू a पर पावर n क्या होता है, a पर पावर m है, ये फॉर्मूला होता है ठीक है, a पर पावर m ब्रैकेट n, तो क्या हुआ a पर पावर m है, जब हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट क्या था, हम लोगों को वहां पर बताया था कि इसका यूज होने वाला है, वहां पर भी हुआ था यहां पर भी हो रहा है ठीक है। तो हमें क्या मिला, 2 पर पावर 3 हमें 8 दे, तो ये क्या, हाँ अच्छा सॉरी, यहां पर m प्लस n होता है, इंसान है गलतियां हो जाती है, और एक्चुअली कई बार लिखने में और बोलने में थोड़ा सा गैप आ जाता है कम्युनिकेशन में, और कभी भी इस तरह का डाउट हो तो एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, और कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, सब्सक्राइब कर लो। तो क्या हुआ, हमें 2 पर पावर 3 चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमको 8 बनाना था इस बेस को, और हमने 2 पर पावर 3 जब किया तो ये जो पावर था 63 इसके साथ छेड़खानी हुई और ये घटकर बचा कितना 21। अब देखो 2 पर पावर 3 क्या हुआ, 8 पावर 21 डिवाइडेड 9 ठीक है। अब देखो, अब समझ में आ गया हो क्या करने वाले हम लोग, याद है पावर देखो 8 को नीचे 9 ऊपर 8 डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, या तो पॉजिटिव 8 आएगा या फिर कितना आएगा, या फिर -1 आएगा, तो हमें पॉजिटिव 8 को नहीं लेना है क्योंकि पॉजिटिव 8 पर पावर 21 को हम सॉल्व नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे, हम करेंगे -1 को, -1 पर पावर लेंगे कितना 1 21, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, आपको आएगा -1 ही, क्योंकि ऑड है, याद रखना अगर पावर, अगर निगेटिव का पावर ऑड आ जाए तो अल्टीमेटली वो निगेटिव ही देगा, अगर निगेटिव के पावर इवन आ जाए, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, तो वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था, बेसिक था, ध्यान में रखना। तो क्या मिला, निगेटिव, और हम जानते हैं निगेटिव तो रिमाइंडर होता नहीं है जी, तो नहीं होता तो क्या करो, जिससे डिविजन करने, जिससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उससे घटा दो, घटा दो क्या आएगा 8। कैसे करना है, हमको इसका 2 पर पावर 63 था, हमको 2 का नहीं पता था क्या नहीं है, हमने क्या किया, इस बेस को किसी तरह इससे या तो एक ऊपर या तो एक नीचे, नीचे हमें पता था ये देगा, ये देगा, तो हमने इसको ये बनाया, ये बनाने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है देखो, 2 पर पावर 64 डिवाइडेड बाय 9 ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका रिमाइंडर निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही कुछ नहीं करना, ये जो जिससे डिवाइड करने के लिए बोला गया, किससे बोला गया, 9 से, किसको बोला गया, 2 पर पावर 64 को, इस 2 को हमको इससे या तो एक ऊपर, इससे या तो एक नीचे बनाना है, इससे एक ऊपर कौन सा होगा 10, इससे एक नीचे कौन सा होगा 8। देखो अब 2 का पावर है तो 2 के पावर की बात कर रहा है, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, इससे एक ऊपर क्या जाएगा 10, इस पहाड़ में तो आ नहीं रहा है क्योंकि सारा खेल तो पावर का है, इस पावर में कहीं भी 10 नहीं आ रहा है तो हमको इसको लेना नहीं है, इससे एक नीचे क्या आएगा 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वो कितना दे रहा है 2 पर पावर 3 दे रहा है ठीक है। अब देखो 2 पर पावर 3 हमको क्या दे रहा है 8 दे रहा है, यहां से बना लेंगे, लेकिन 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 64 जो है वो मान लो अगर 2 पर पावर 63 रहता
तो हम क्या करते हैं 8 बनाते हैं, तो 2 पर पावर 3 को अंदर लाते हैं और 3 से इसको भाग देते हैं तो कितना होता है 21। लेकिन यहां पर है 64, 64 अगर 3 को अंदर लाएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम तो ये कर नहीं पाएंगे। तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, इसको तोड़ दो, ये दिमाग लगाना है। और ये दिमाग में कब आएगा, ये क्लिक कब करेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। 2 पर पावर 1 ठीक है, गुना बचा कितना 2 पर पावर 63 डिवाइडेड बाय 9। अब क्या करो, अब तो हमें पता है इसको तो हम आसानी से 8 बना लेंगे, ये तो 2 के 2 ही रहेगा, ये आ जाएगा 2 पर पावर 3 और ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 9 ठीक है। 2 पर पावर 3 कितना आ जाएगा 2 गुना 8 पर पावर 21 डिवाइडेड बाय 9 ठीक है। इसको ये तो 2 ही रहेगा, रिमाइंडर 2 ही रहेगा और ये रहेगा कितना -1 -1 पर पावर 21 -1 ये जाएगा -2 -2 मतलब 9 से घटा दो -2 को ये बन जाएगा 7 तो इसका आंसर हो जाएगा 7 इसका रिमाइंडर हो जाएगा 7। तो देखा हम बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 2 दिन थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ओवरऑल एक क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, मिक्स क्वेश्चन होगा, फिर उनको करेंगे, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम को क्लोज कर देंगे। कुछ नहीं किया, जब भी इस तरह का क्वेश्चंस मिले कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है इसके बेस को किसी तरह इसके एक ऊपर या एक नीचे बना लेना है, एक ऊपर एक नीचे हमें मिल जाता है। कहां से मिलता है, क्योंकि 2 के स्क्वायर की 2 के पावर की बात हो रही है तो हम पावर को जब एनालाइज किए तो हमने देखा कि 2 पर पावर 3 जो है वो हमें 8 दे रहा है और इस 8 के साथ हमने आसानी के साथ कैलकुलेट किया। तो आज के इसमें क्या किया हम लोगों ने, यही देखा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव टेक्निकली दोनों होता है, लेकिन हमने बचपन से क्या किया था, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर को लिया, नेगेटिव को छोड़ा। फिर आज हमने क्या किया, नेगेटिव रिमाइंडर को भी लिया और पॉजिटिव को भी लिया, लेकिन यहां पर हम लोग नेगेटिव को कहां यूज किए, पॉजिटिव को कहां यूज किए, जहां पर कैलकुलेशन आसान हो सके। जब हमें लंबा सा कोई फॉर्म मिला, सीरीज मिला और कैलकुलेशन टफ था तो हमने वहां पर नेगेटिव रिमाइंडर को भी लेकर पढ़ा, लेकिन कई जगह हमें पॉजिटिव रिमाइंडर छोटा मिला तो हमने क्या किया, पॉजिटिव रिमाइंडर को भी लिया और उसको सॉल्व किया। उसके बाद हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए, कल फिर कल की क्लास में फिर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस होगा और अलग-अलग वैरायटी का। यहां पर तो बेस 2 है, इसके एक ऊपर एक नीचे है, कई बार इसके एक ऊपर एक नीचे नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे। आपने इतना टाइम दिया, हम आपके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू।